हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार चटनी बनाएंगे, जो बहुत ही अच्छी होती है और इसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 5 से 6 टमाटर लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल रेड कलर के हैं ये। यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्ची ली है और लहसुन लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चटनी बनाना। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, लगभग 3 छोटी चम्मच के करीब। ऑयल को गर्म होने देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब जीरा, और 1/2 छोटी चम्मच ही मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ राई दाना इसके अंदर। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच राई दाना डाल दिया है। रायदाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कोई भी चटनी बनाए उसके अंदर रायदाना आप ज़रूर ऐड करना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रायदाने से चटनी का। और अब हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब ही साबुत धनिया, जिसको मैंने दोनों हाथों से ऐसे मसल के डाल दिया है। मसलने से क्या है, इसकी अच्छी खुशबू हो जाती है पूरी चटनी के अंदर। तो ये देखिए, हमारा जो धनिया भी है वो भी अच्छे से ब्राउन होने देते हैं धनिए को। तो ऐसे करके हमने सभी चीज़ें डाल दी हैं। अब मैं यहाँ पे टमाटर जो इसको मैंने कट कर लिया था वो डाल देंगे डायरेक्ट। आप चाहो तो इसको ग्राइंडर जार के अंदर भी इसका पेस्ट बना के डाल सकते हो, बट उससे क्या होता है, इतनी दरदरी सी नहीं बनती है, उससे बिल्कुल पतला घोल सा बन जाता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से बनाते हैं चटनी तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही दानेदार सी बनती है। अब मैं यहाँ पर हरी मिर्ची भी डाल दी है, और हरी मिर्ची को भी अच्छे से टमाटर के साथ फ्राई होने देते हैं। टमाटर तो वैसे भी सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी गल भी जाते हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कोई भी चटनी हो उसके अंदर अगर लहसुन नहीं डालेंगे तो चटनी हमारी बेस्वाद सी लगेगी, तो हमें लहसुन ज़रूर डालना चाहिए। आप चाहो तो अदरक भी ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, चटनी को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पर, और ये बिल्कुल गल चुके हैं टमाटर। अब हम चम्मच से इसको प्रेस कर देंगे ताकि और भी एक हो जाए, बिल्कुल गल जाएँ अच्छे से। तो ये देखिए, आज मैं आपको टमाटर की बहुत ही आसान और बहुत ही सरल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है और लगभग 2 मिनट तक इसको ढक्कन लगा के पकने दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे जो ऑयल है वो अलग हो गया है, मतलब कि हमारी चटनी है वो रेडी हो चुकी है। और हम वापस से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और वापस से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि पूरी मतलब चटनी बन जाए अच्छे से, एक साबुत ना रहे कुछ भी चीज़। अच्छे से पक चुकी है ये सभी चीज़ें, और हमें देखो ऐसे मैश करते रहना है ताकि जो भी पीसेस बचे हैं टमाटर के उसको मैश कर देंगे। और ये हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। इसे आप सफ़र में भी लेके जा सकते हो, या फिर घर पे भी पराठे के साथ, पूरी के साथ, या चपाती के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बच्चों को सबसे फेवरेट होती है टमाटर की चटनी। अगर आप इसको खट्टा मीठा बनाना चाहते हो तो 1 छोटी चम्मच के करीब आप इसके अंदर चीनी डाल दीजिए, शुगर, और उसको मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए, हमारी टमाटर की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी चटनी बनके रेडी हो चुकी है। मैंने वापस से ढक्कन लगा के इसको लगभग 30 से 40 सेकंड तक वापस से पका लिया है मैश करने के बाद में। और इसको वापस से देखते हैं तो हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, गैस ऑफ़ कर देते हैं। बस हमें इसको ऐसे चम्मच से अच्छे से ऐसे मैश कर देना है ताकि जो पीसेज हैं वो साबुत ना रहें, पूरी की चटनी बन जाए। तो ये देखिए, हमारे टमाटर की चटनी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बन के रेडी हुई है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको चटनी वाली कटोरी के अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको चटनी वाली कटोरी के अंदर डाल दी है, बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रही है, खाने में उतनी ही कहीं ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।